साथ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती। आप बार बार जातियों का नाम ले रहे हैं। प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के ऊपर जो आपके ऊपर एक चार्ज लगता है, जो विरोधी दल आपको गिराना चाहते हैं, वो कहते हैं आपकी नीति सिर्फ जातिवाद, जात से बांटना, जात से बंटवारा करना, जात के नाम पर सब कुछ खड़ा करना। प्रधानमंत्री के लिए ये सब ठीक रहता है? ये उन पार्टियों के नेता लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने इस देश में जातिवाद को बढ़ावा दिया है और अभी तक जाति के आधार पर पॉलिटिक्स की है, राजनीति की है। बीएसपी एक ऐसी पार्टी है तो जो इस देश में जातिवाद को खत्म करके, अर्थात सर्व समाज में सामाजिक भाईचारा पैदा करके समाज को एक सूत्र में जोड़ना चाहती है। पर आपने जो एक यूएनपी के आपने लीडर बनी है, आपको एकदम सडनली उनको लगा कि बहन मायावती? मैं उनकी लीडर, मैं बीएसपी की लीडर हूँ। पर आप तो राष्ट्रीय नेता है, यूएनपी अलग है, 10 पार्टियां उसके अंदर, ये लेफ्ट पार्टियां अलग है। और उन्होंने मेरे बारे में कहा पीएम बनने की जो उन्होंने बात कही, उनका तो मैं बार बार उनका मैं वेलकम करती हूँ, उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। नहीं कहा जी, सवाल ये कि हर पार्टी के नेता जैसे चौटाला साहब हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, टीआरएस वाले हैं, ये सब बड़ी जातियों के नेता हैं, उसमें ये बहन मायावती कहाँ फिट होती हैं? कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, बहन मायावती ने कुंभा जोड़ा। लेकिन उनको इस बात का एहसास है कि मायावती ने उत्तर प्रदेश में सर्व समाज को बीएसपी की विचारधारा एवं नीतियों से जोड़ा ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में अपर कास्ट, बहुजन, वीकर सेक्शन के साथ साथ, बैकवर्ड क्लास के साथ साथ, माइनोरिटीज के साथ साथ अपर कास्ट को पार्लियामेंट और असेंबली में भी जिताकर भेजा है। और जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनी है तो वहां पर सर्व समाज को मिनिस्ट्री में भी उनको तो आपके पास वोट है, इसलिए आपके पास नारा है, आपको ये मालूम है कि मायावती जातिवादी नहीं है, वो सर्व समाज को लेकर चल रही है। आपके पास 80 सीटों की प्रदेश है तो आपके सारे शायद उनकी भी नैया पार हो जाएगी, ऐसा नहीं लगता आपको? उसके बाद छोड़ देंगे आपको? नहीं, इस बारे में यही नहीं तो यूपीए में, एनडीए में और भी बहुत से घटक दल हैं, तो जो बीएसपी की तरफ जिनकी नजरें हैं, बीएसपी की विचारधारा और नीतियों से वो काफी प्रभावित हो रहे हैं। एक ऐसा समय आएगा कि बड़े पैमाने पर यूपी और एनडीए के जो घटक दल है वो भी हमारे पास जुड़ेंगे, हमारे साथ आ जाएंगे। अभी तोड़फोड़ होनी है अभी आपकी? मैं समझती हूँ कि मैं नहीं तोड़फोड़ करना चाहती, मैं तोड़फोड़ के हमेशा खिलाफ रहती हूँ। यदि कोई हमारे पास आ जाए तो हम उनका वेलकम करते हैं, करेंगे आप तो उनको हम बनाएंगे। यूएनपीए के तो 270 आदमी आने से रहे, आपको क्या कांग्रेस का धारा लेना पड़ेगा या आपको बीजेपी का धारा लेना पड़ेगा? जिस तरीके से कांग्रेस दलित की बेटी बिना कांग्रेस बिना बीजेपी के प्रधानमंत्री कैसे बनेगी? लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, वर्तमान में जो राजनीतिक हालात चल रहे हैं और ऐसे हालातों को रहते हुए जब देश में लोकसभा का आम चुनाव कुछ ही महीनों के अंदर होने वाला है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग और बीजेपी एंड कंपनी के लोग ये 200 के अंदर ही सिमट जाएंगे, बाकी 340 होंगे। तो जब बाकी 340 होंगे तो फिर मुझे ना कांग्रेस एंड कंपनी के लोगों की जरूरत पड़ेगी ना बीजेपी एंड कंपनी। मुझे लगता है कि जिस तरह की कॉम्बिनेशन चल रहा है, जिस तरह के कोएलिशन अपॉर्चुनिटी देखा आपने, लोगों को पैसे दिए गए, वहां पर पार्लियामेंट के पटल पर लोग नोट लेकर के आए, खरीद फरोख्त की राजनीति हो रही है लोकसभा के अंदर, खासतौर से जो नोटों की गड्डियां रखी गई और जिस तरीके से सांसदों की खरीद फरोख्त की गई है, उनको डराया गया, धमकाया गया है, तो ये हमारे देश में लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं है। पर जो मैंने इसकी तो जितनी भी कड़ी निंदा की जाए उतनी ही कम, पब्लिक करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मैं समझती हूँ उसको तो करना चाहिए। मैं आपसे आतंकवाद की बात कर रहा हूँ कि आतंकवाद सबसे बड़ा दुश्मन देश का है, तो आप किसको दोषी मानते हैं इसके अपील, जो जिसको बोलते हैं कि आप मुस्लिम अपीजमेंट है या जिहादी लोग हैं या कमजोर सरकारें हैं या कोई कानून नहीं है? आतंकवाद को हमें राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए और आतंकवाद को खत्म करने के लिए केंद्र और राज्यों की जो सरकारें हैं इनको आपस में मिलकर ऐसा कोई रास्ता निकालना चाहिए। तो
तो ताकि आतंकवाद के ऊपर अंकुश लगाया जा सके। उसके लिए भी कानून तो होना चाहिए ना, कोटा आपने खत्म करा दिया, आप ही कोटा के खिलाफ हैं। मैं ये समझती हूँ कि केंद्र और राज्यों को सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए, कोटा नहीं और भी बहुत से कानून बनाए जा सकते हैं। जैसे मौका बना हुआ महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात की सरकार कानून बनाने चाहती थी, तो इस किस्म का कानून हमारी यूपी गवर्नमेंट ने भी बनाया था, लेकिन वो अभी लटका पड़ा हुआ, उसको केंद्र से मंजूरी नहीं मिली। तो आपका कहना है कि केंद्र की सरकार कानून में तो मामले के कमजोरी पड़ रही है ना? कमजोर भी पड़ रही है, और जो हमारे देश की जो सीमाएं हैं वो भी बराबर सुरक्षित नहीं है। आतंकवादी देश में वो कहाँ से आ रहे हैं? ये बोलते कि ये लोग बाहर से आ रहे हैं, तो कहाँ से आ रहे हैं? तो वो कोई वीजा लेकर तो नहीं आ रहे, इलीगल तरीके से आ रहे हैं। इसका मतलब ये कि हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं। तो ये केंद्र की सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित रखे। पर एक बात बताओ, ये सुप्रीमो वर्ड जो है ना आपके लिए बहुत पॉपुलर है, सुप्रीमो जो होता है, कई बार बाल ठाकरे को सुप्रीमो बोलते हैं, जयललिता को सुप्रीमो बोलते हैं, आपको सुप्रीमो, ये थोड़ा प्रजातांत्रिक वर्ड नहीं है, डिक्टेटरशिप का वर्ड है, तो उसमें आप विश्वास रखते हैं डिक्टेटरशिप में क्या? ये नाम तो मैंने नहीं दिया, ये तो आप ही मुझे बार बार सुप्रीमो कह रहे, सुप्रीमो कहते बुला रहे हैं, तो आप अपने आप से पूछो। आप लोग कहते हैं, हम कह रहे हैं ना, हम तो आपके लोगों, मैं नहीं कहती, आप कहते हैं, आप जैसे लोग कहते हैं। मैं कोई डिक्टेटर नहीं हूँ, मैं डेमोक्रेसी में विश्वास रखती हूँ, जो सब लोग चाहेंगे उसी में मैं यकीन रखती हूँ। क्योंकि कई बार जो आपके जो खिलाफ चार्ज लगाए जाते हैं बहुत बार, कि ये दलित की देखो कि बेटी इतनी अमीर है, सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दी एक दिन, कि आपके पास 100 करोड़ है, 50 करोड़ है, 95 प्रॉपर्टीज हैं, कि दलित की बेटी इतनी अमीर हो गई कुछ सालों के अंदर। सीबीआई ने जो भी माननीय अदालत में एफिडेविट दाखिल किया है वो टोटल फर्जी है। जब इस मामले को लेकर हमारे तरफ से हमारा वकील जब पक्ष रखेगा, सही तथ्य देशवासियों के सामने आ जाएंगे। पर आपको चार्ज लगाते हैं ना, क्यों, किस वजह से लगाते हैं? अभी चार्ज तो जो ज्यादातर जो मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं, तो वो केवल पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की वजह से, चाहे पूर्व में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार रही हो या वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार चल रही हो, ये जो तार प्रकरण मामला है या इसकी आड़ में और भी जो मामले बनाए गए हैं, तो ये केवल मेरे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बनाने के लिए बनाए गए हैं। पर आप देखते हैं कि आप तो अमर सिंह जी सरकार में आ गए, किस्म से इनडायरेक्टली रिमोट कंट्रोल उन्हीं का होगा, उससे आपको खतरा तो बढ़ गया होगा। मुझे तो कोई खतरा नहीं होगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कांग्रेस पार्टी को जरूर घुटन महसूस हो रही है, उसको जरूर आज नहीं तो कल श्री अमर सिंह से जरूर खतरा होगा। आपको उनसे क्यों खतरा नहीं है? मुझे क्या खतरा आपकी सरकार, कमजोर लोगों से, मरे हुए लोगों से मुझे क्या खतरा होगा?